Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम। जहां तक पहुंचे हमारा प्यार, पहुंचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुंचे, तमाम इंसानियत तक पहुंचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में बहुत सारी मज़ेदार रेसिपीज़ भी मौजूद हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद हैं जो आप लोगों के काम आने वाली हैं। और जैसे कि हमने जुमे का प्रोग्राम किया, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, शान अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो पूरे हफ्ते जो भी आपके पास सवालात हैं, जिसके जवाबात मैं दे सकता हूं, इंशाल्लाह मैं दे दिया करूंगा। और अगर जैसे बहुत मुश्किल सवालात हैं तो उसका जवाब जो है आपको जुमे के दिन मिल जाया करेगा। तो कोशिश करें कि अपने सवालात तैयार करके रखें और कोशिश करें कि एक सवाल हो, मुस्तकम हो, ताकि ये कि उस सवाल का फ़ायदा जो है आपको भी पहुँचे और आपके देखने वालों को भी, इसलिए कि कभी कभार होता है कि इंसान इस तरह के हर्बल चीज़ें जो हैं बहुत ही आसानी के साथ आप किसी को मशवरा दे सकते हैं, उसके काम आने वाली चीज़ है, सदकाए जारिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस चीज़ को अपने पास लिख कर रखेंगे, अपने लिए या किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार के काम आने वाली चीज़ें हैं। और ये हर्बल चीज़ें ऐसी होती है जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और ये आसानी से आपको अगर फ़ायदा नहीं पहुंचाती तो नुकसान भी नहीं पहुंचाती हैं। लेकिन जैसे कि बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ख़तरनाक होता है, तो इसकी वजह से हमारे साथ एक प्रॉब्लम सही होती है तो दूसरी प्रॉब्लम निकल आती है। तो कोशिश करें मेडिसिन जो एलोपैथिक मेडिसिन है जितनी कम से कम यूज़ कर सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर है, बनस्बत इसके कि आप बहुत सारी मेडिसिन इकट्ठे इस्तेमाल करना शुरू कर दें कि हर चीज़ की कोई दवाई ले लें। इसलिए कि बहुत सारे लोगों को बहुत शौक़ होता है कि सर के दर्द की दवाई अलग ले रहे हैं, पैर के दर्द की दवाई अलग है, कमर के दर्द की दवाई अलग है, इस तरह से बहुत सारी दर्दों की दवाइयाँ इकट्ठे ख़रीद के और जो है ना उसको हम इस्तेमाल करने लगते हैं। इवन यहाँ तक कि हम किसी भी मेडिकल स्टोर के जो बंदा होता है उससे भी हम मशवरा करके कोई ना कोई दवाई इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। इसके अलावा मैंने ये भी देखा है कि एंटीबायोटिक जो है ना वो तक हम जो है ना किसी भी मेडिकल स्टोर के बंदे से मशवरा करके जो है ना एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कि हर किस्म का एंटीबायोटिक जो है वो हर आदमी के लिए सूट नहीं करता है, हर चीज़ का अलग अलग तरीक़ेकार होता है। तो इसीलिए प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाएँ, आगे जाकर बहुत सारी बीमारियों को अपनी तरफ घेरने के बजाय आप कम से कम मेडिसिन में जो है उसको कोशिश करें, गुजारा करें। थोड़ा बहुत सर में दर्द है तो इसको दबवा लिया, ऑयल लगा लिया, इस टाइप की कोई चीज़ कर ली। बार बार सर के दर्द की दवाई खाने से ये आपकी बॉडी के अंदर समझ लें इसको एक रास्ता मिल जाता है, फिर ये हमेशा आपके साथ साथ दवाई के बगैर जो है आपको चैन नहीं आएगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा था कि आपसे मशवरा ज़रूर करूँ, आप लोगों को बताऊँ, ताकि ये कि आपके अंदर से जो एक बहुत सारे लोगों को खामखा की हवस हो जाती है दवाइयाँ खाने की, तो वो जो है ख़त्म करें। इसलिए कि किडनी फेल हो सकती है आपकी, जिगर ख़राब हो सकता है, लीवर आपका ख़राब हो सकता है, इसके साथ फेफड़ा जो है वो अपना काम करना छोड़ देता है, मेदे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इस तरह से बहुत सारे आपकी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें और थोड़ी बहुत मेडिसिन से और थोड़ी से बर्दाश्त से, थोड़ी सी अपने खाने पीने के जो तरीक़ाकार है उसमें थोड़े से चेंजेस से आप अपने आप को बहुत बेहतर बना सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आप इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। तो चलते हैं, आज आपको बताते हैं कि हमारे पास रेसिपी आज आपके लिए क्या है। आज जो है हम बहुत ही मज़ेदार आपके लिए बैंगन मिर्च मसाला जो है ये हम तैयार करेंगे। ये रेसिपी ऐसी है जो हम जैसे बघारे बैंगन बनाते हैं उस टाइप की मिलती जुलती रेसिपी है। इसको सालन भी समझ सकते हैं, इसको समझ लें कि एक अचार के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सालन जल्दी ख़राब नहीं होता है और इसे आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं और इसको काफ़ी टाइम तक आप इस्तेमाल करेंगे। जितना पुराना होता जाएगा उतना ही मज़ेदार होता है ये बैंगन मिर्च का सालन। जैसे बघारे बैंगन बनते हैं वैसे ही ये तकरीबन मिलता जुलता इसका स्टाइल है बनाने का, ठीक है जी। और इसके साथ आपके लोगों के लिए बहुत ही मीठी सी मज़ेदार सी पहली डिश मंडे की, कहता है ना मीठा ज़रूर शामिल करना चाहिए स्टार्ट में, तो हमने सोचा कि खोपरे का मीठा जो है वो आपको बनाना सिखाएं, ताकि वो भी आपके लिए बहुत ही कारामद होगा। और इसके साथ वेजी कबाब यानी कि वेजिटेबल के कबाब, वो लोग जो वेजिटेबल सिर्फ खाते हैं वेजिटेरियन हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है कि वे वेजी कबाब जो है अपने घर पर तैयार करें। ये तीनों रेसिपीज़ इंशाल्लाह हम सब मिलकर बनाएंगे, एंजॉय करेंगे। और जब ये मज़ेदार रेसिपीज़ बनती हैं तो फिर
बेहतरीन मसाले की ज़रूरत भी पड़ती है। तो शान मसाला, जिसका कहना ये है कि ज़रा ज़रा खालिस और शान के जो है मुख्तलिफ सादे मसाले जो हैं वो आपको, और नमक जो है वो आपको देता है बेहतरीन सपोर्ट आपके खाने को, ताकि खाना आपका मज़ेदार बने। इवन यहाँ तक कि लाल मिर्च पाउडर हो, हल्दी पाउडर हो, इसका जो है गरम मसाला, ज़ाफ़रानी गरम मसाला है, मुख्तलिफ चीज़ें जो हम इंशाल्लाह इसके साथ साथ इस्तेमाल भी करेंगे अपने रेसिपीज़ के अंदर। चलते हैं आज की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो क्या है आइए देखते हैं। हमारे पास जो है तीन चीज़ें हैं मौजूद हैं यहाँ है, हमारे पास मेथी दाना है, ये मेरे पास कलौंजी है, ये मेरे पास दालचीनी है, ठीक है जी। अक्सर लोगों की शिकायत ये है कि बाल गिर रहे हैं, बहुत सारे लोग काफ़ी गैप आ जाता है बाल, वो ख़वातीन हों या मर्द हों, ठीक है। एक तो ये होता है कि हम मुख्तलिफ किस्म के ऑयल अपने सर पर लगाते हैं, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको ये पता है कि अंदरूनी तौर पर इंसान अगर मेहनत करे और खाने पीने की चीज़ों में थोड़े से रद्दोबदल करे, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, तो आपको बहुत सारा फ़र्क पड़ सकता है। जब बाल के लिए आप अगर थोड़ी सी मेहनत करना चाह रहे हैं, अंदरूनी तौर पर बाल को सही रखना चाह रहे हैं, मज़बूत रखना चाह रहे हैं, काले रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट चीज़ जो है ये 41 डेज़ का एक कोर्स है, ये ज़रूर कर लें, वो यंग हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आपके बाल जो है ना वो हमेशा मज़बूत और घने रहेंगे, ठीक है जी। उसके लिए क्या है हमारे पास, एक टेबलस्पून मेथी दाना हमने लेना है, एक टेबलस्पून राई दाना लेना है और एक टेबलस्पून दालचीनी लेनी है, ठीक है जी। एक टेबलस्पून मेथी दाना, एक टेबलस्पून जो है राई दाना और एक टेबलस्पून दालचीनी, इन तमाम चीज़ों को मिलाकर पाउडर बना लें, आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम खाने के बाद, आधे घंटे बाद आप ले सकते हैं, आधा चम्मच सुबह खाने के बाद और आधा चम्मच जो है रात को खाने के बाद आप लें, आधा आधा चम्मच दो टाइम पर लें, इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि आपको अंदरूनी तौर पर ये आपकी स्किन को बेहतर करेगा, आपके बालों को बेहतर करेगा, आपके आइज़ को बेहतर करेगा और आपके जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बेहतर करेगा, मेदे को आपके बेस्ट रखेगा, इवन यहाँ तक कि अगर शुगर पेशेंट है तो शुगर लेवल को भी बेस्ट रखता है ये, और हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बेस्ट है। यानी कि एक ही चीज़ है लेकिन इसके इतने सारे फ़ायदे हैं कि आप मल्टी फ़ायदे जो हैं इसको आपको मिलेंगे, और बालों के लिए ख़ास तौर पर ये, अब जब आप इसे लेंगे रोज़ाना की बुनियाद पर 41 डेज़ तक, तो आप देखेंगे कि आपके बालों में मजबूती आना शुरू हो जाएगी, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे आहिस्ते आहिस्ते और बालों में घनापन आना शुरू हो जाएगा। एक तो ये होता है कि अक्सर लोग सिर्फ ऑयल वगैरह या कोई और चीज़ें लगाकर सही करते हैं, लेकिन आप अंदर से अगर सही नहीं होंगे, जैसे कि बहुत सारे चेहरों पे पिंपल निकल आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम बाहर से क्रीम लगा लें तो वो बेहतर नहीं होता, बल्कि वो रेगुलरली निकलता रहता है जब तक आपका मैदा सही नहीं होगा। तो इसी तरह से बालों के जड़ों को मजबूत करने के लिए सिर्फ ऑयल लगाने से काम नहीं चलता, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे आपका आपके बाल, आपके स्किन, आपकी आइज़, यानी कि हर चीज़ जो है ना बेहतर होने की ज़रूरत है। और उसके लिए जो तीन चीज़ें मैंने बताई हैं, मुझे उम्मीद है कि इसे आप लिख कर रख लेंगे अपने पास और आपके बेहद काम आने वाली है, ख़ुद भी और दूसरों को भी। और ये नहीं कि आपके बाल झड़ना शुरू हो गए उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करें, अगर ख़ानदान के अंदर आपके लगता है आपको कि आपके बुज़ुर्ग जो हैं, वालिद हैं या दादा हैं, और भी कोई रिश्तेदार हैं जिनके बाल कम हैं, तो आप ख़ुद ब खुद ही फैमिली में जब ये देख लेते हैं तो आप ख़ुद ब खुद इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह ये जो है ना दोबारा आपको नहीं होगा, ठीक है जी। दोबारा बता देता हूँ, मेथी दाना एक टेबलस्पून, राई दाना एक टेबलस्पून और दालचीनी एक टेबलस्पून, सबको मिलाकर पाउडर बना लें और इसे आधा चम्मच सुबह खाने के बाद, रात को खाने के बाद आधा चम्मच लें, तो इंशाल्लाह आपके बाल जो हैं अंदरूनी तौर पे मजबूत होंगे और इंशाल्लाह ज़बरदस्त घने और चमकदार बाल जो हैं होंगे। तो चलते हैं ब्रेक की तरफ, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपकी तैयार होने जा रही है और हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए बैगन मिर्चों का सालन। बहुत ही मज़ेदार है ये, और इसे जैसे मैंने कहा कि इसे आप काफ़ी दिनों तक अपने पास फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको साइड डिश के तौर पर, यानी कि आपने राइस बना लिए, दाल बना ली और ये बैगन मसाला, मिर्च मसाला जो है इसको तैयार करके इसके साथ सर्व कर सकते हैं।
जस्ट लाइक जैसे बघारे बैगन होते हैं उसी तरह का इसका फ्लेवर होता है, उसी तरह का टेस्ट होता है, और साथ साथ आप बघारे बैगन भी सीख जाएंगे और ये वाली रेसिपी भी सीख जाएंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें बैगन है और साथ में हरी मिर्चें। बैगन जो है वो असल में छोटे वाले अगर हों तो बहुत अच्छे हैं, अगर मार्केट में आपको मिल जाता है। मैं भी सदर वगैरह में जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे वाइट कलर के बैगन और ग्रीन कलर के बैगन मिल जाते हैं, वो बड़े मज़ेदार बनते हैं इस वाली डिश के अंदर। छोटे होते हैं साइज़ में, सर्विंग में भी आसानी होती है, लेकिन ज़ाहिर बात है कभी कभार नहीं मिल रहे होते हैं तो फिर हम ये वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, और हमारे पास कॉलर हैं शाजिया फ्रॉम भावलपुर। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम अंकल, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। भावलपुर से बात कर रही हूँ, काफी अच्छे से आपका नंबर ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, मिली नहीं रही बात। ठीक है बात जी जी, आज मिल गई है। एक मसला था उसी बारे में हम बात करनी थी। अम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है, बहुत देखती है आपको, बहुत शौक। ठीक है ठीक है जी। उसके पास का ना उसकी एक साइड का जिस्म ना बिल्कुल सुन्न हो जाता है और दर्द बहुत होता है, काफी इलाज किया लेकिन ठीक नहीं हो। ठीक है ठीक है ठीक है, तो उस हवाले से आपको ही बता दें, बहुत इलाज किया है बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से सर्जन से। बिल्कुल बता देता हूं, तो मैं ये कार बंद करूंगी ना फिर आप उससे बता दीजिएगा। बिल्कुल बता देता हूं। और भी एक मसला है सुनिए। हेलो जी जी, हाँ पूछिए। एक और भी मसला एक है भी मसला। मतलब जनाना मसला है जो जुमला अंदाज होते हैं औरतों के, वो नहीं बता सकती, तो उस हवाले से भी कुछ बता दीजिए। ठीक है बिल्कुल इंशाल्लाह बता देते हैं। ठीक है जी, अल्लाह बहुत शुक्रिया। पहले भी एक कॉल आई थी और उन्होंने भी ये पूछा था कि सुन होना, हाथ पैर का सुन हो जाना, या किसी जगह पर सिर्फ उंगली का सुन हो जाना, इस तरह से बहुत सारे पैर का सुन होना, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। बैठे बैठे जैसे हम बैठे होते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, पैर सुन हो जाते हैं। इस तमाम चीज़ों के लिए वेंस अगर ख़राब हो जाती हैं, एक जगह पर बहुत सारी वेंस जमा हो जाती हैं, उसके प्रॉब्लम के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए एक बूटी आती है जिसका नाम है सुमलो बूटी। सुमलो बूटी ये आपको मिल जाती है मार्केट में, पंसारी की दुकान में। इसका पाउडर बना लें, इसका जो है एक चाय का चमचा रोज़ाना एक कप दूध के साथ अगर आप इसे सुबह लेते हैं खाने के आधे घंटे बाद लेते हैं, तो इंशाल्लाह ये आपको तकरीबन 7 दिन में इसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा और ये आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर 7 दिन में रिज़ल्ट ना मिले तो 3 दिन के लिए इसको छोड़ दें, फिर 7 दिन के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, 3 दिन इसको रोक लेना है, फिर 7 दिन के लिए इस्तेमाल करना है, तो इस तरह से जड़ से ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। सुमलो बूटी, और यहाँ हमारे पास ऑयल हमने डाल दिया है और इसके साथ प्याज हमने डाल दी इसमें और इसे हमने फ्राई कर लेना। ठीक है जी, थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं, यानी कि ब्राउन नहीं करना हमने। और इसी के दौरान हमने क्या करना है कि जो बैगन है इसकी जो डंडियाँ हैं बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी है, लेकिन इसकी पूरी डंडियाँ ख़त्म नहीं करनी, काटनी नहीं है। ठीक है जी, और बैंगन को इस तरह से आपने चीरा लगा लेना है ऐसे, और फिर इसको ऐसे, यानी कि 4 हिस्सों में ये चला जाए ताकि इसके अंदर मसाला जा सके, लेकिन बैंगन को ख़राब नहीं करना आपने, यानी कि ये 4 पीसेज में हो गया लेकिन बैंगन ऐसे ही रहना चाहिए। ठीक है, चले जी, इसकी डंडी थोड़ी सी छोटी कर दी, बैगन को धो लिया, उसके बाद इसके इस तरह से लकीर डाल दी इसमें, और मिर्चे जो हैं उसको आपने ऐसे ही रहने देना साबुत। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीका कार है। इससे क्या होगा कि मसाला जो है बैगन के अंदर जाएगा अच्छी तरह से और बहुत ही टेस्टी बैगन जो है वो तैयार होंगे। ठीक है, ये देखिए ये 4 बैगनों को हमने इस तरह से बना लिया। अगर ये छोटे बैगन हैं, गोल वाले बैगन हैं, तब भी आपने इसको ऐसे ही करना है, 4 पीसेस ज़रूर इस पर कट डालना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने 4 बैगन तैयार करके रख लिए। यहाँ हमारे पास कॉलर हैं मुबारक अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम गुजर भाई, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। जी जी मुबारक। अच्छा सर, वो अभी आपने मुझसे बताया था मेथी दाना, दाल, चीनी और कलौंजी का। जी, तो ये शुगर के लिए कैसे इस्तेमाल करना? कलौंजी नहीं है, शुगर है इसमें, मेथी दाना है, वो राई दाना है और दालचीनी है। ठीक है,
इसको भी शुगर पेशेंट खाने से पहले, खाने से आधा घंटे पहले आधा चम्मच खाने से पहले रात को सुबह, और आधा चम्मच रात को खाने से पहले, ठीक है। अगर तीन टाइम खाना खाते हैं तो तीन टाइम आप आधे आधे घंटे पहले ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो अगर बालों के लिए इस्तेमाल करना हो फिर? तो वैसे वो खाने के बाद ले सकते हैं, खाने के बाद आधे घंटे बाद। मोबाइल नंबर चाहिए था कान लिए, कोई जरूरी बात खाने से। ठीक है ठीक है, आप ले लीजिएगा। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्लस सर मेरे हाथ पांव बहुत ज़रा सुन्न हो जाते हैं। अभी मैंने बताया सुमलो बूटी ले लें, ठीक है, पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगी। उसका पाउडर बना के आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम खाने के बाद लें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ प्याज हमारी हल्की सी फ्राई हो गई है, इसमें मैं डाल रहा हूँ जीरा कुटा हुआ, ठीक है, काली मिर्च कुटी हुई, हल्दी, ठीक है, खशखाश, और इसके साथ लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा शान का खालिस रिफाइंड खालिस नमक जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए कि ये ज़रा ज़रा खालिस है और आपके सेहत के मुताबिक है, ठीक है जी। और शान का जो है ना मेरे पास इस वक्त लाल मिर्च है, तेज़ लाल, और इसके कलर भी अच्छा आता है, ठीक है जी। ये हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें, और इसी का शान का जो है गरम मसाला, ज़ाफ़रानी गरम मसाला, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, और इसे पूरी दुनिया से जो मसाले होते हैं उसको सिलेक्ट किया जाता है आप लोगों के लिए, और इसे जो है ये जो पैकिंग है इसको हम कहते हैं वैक्यूम लॉक पैकिंग, इसके अंदर ये दस्तियाब होता है ताकि ये इसकी खुशबू, इसकी ताज़गी और इसका जो है कलर, ये हर चीज़ जो है हमेशा एक ही जैसी बरकरार रहे, ठीक है जी। इसको हमने मिक्स कर लिया, तमाम चीज़ें आ गई, और इसके साथ हमने डाल देना है इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी, ठीक है, और अब मैं इसमें शामिल करूँगा दही, ठीक है, थोड़ा सा दही आ गया। अब इसके साथ हमने बादाम का कुटा हुआ पेस्ट, बादाम कुटा हुआ होना चाहिए या मूंगफली कुटी भी होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी चीज़ आपके पास मौजूद हो आप दोनों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमने वो शामिल कर दिया इसलिए कि अभी आजकल महंगाई कुछ ज़्यादा है तो लोग बादाम की बजाय जो है ना मूंगफली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्लेवर उसका वैसे ही आएगा, कोई ख़राब नहीं होगा फ्लेवर, ठीक है। ये हमने मसाले डाल दिए, और इसी के साथ हमने ये मिर्चें हरी वाली दुम समेत 10 से 15 अदर डाल दिए, ठीक है, और इसके साथ ये बैगन, बैगन शामिल कर दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और इसे हमने मिक्स किया, ठीक है, और इसे मैंने अब ढकना लगाकर छोड़ना है पकने के लिए, ठीक है जी। जब ये भुन जाए अच्छी तरह से उसके बाद आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी का इजाफा कर सकते हैं, और आखिर में हमने इसमें शामिल कर देना है इमली का पेस्ट, लास्ट में डालना है ताकि इसकी खटास ज़बरदस्ती रहे। हमारे पास कॉलर हैं समीना फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम सर, मैंने आपसे पूछना था कि मेरा वेट है 70, ठीक है, और वेट लॉस के लिए ना कुछ बता दें, मुझे किसी ने सिरका बताया था, क्या मैं किडनी पेशेंट हूँ, मेरे किडनी स्टोन थे वो खत्म हो गए लेकिन पेन नहीं है अभी भी, मैं चाहती हूँ कि वो सिरका इस्तेमाल कर सकती हूँ, जैसे आप कोई और रेसिपी बता दें आप। नहीं नहीं, किडनी पेशेंट जो है सिरका इस्तेमाल ना करें बिल्कुल, ठीक है ना, सिरका जो है वो काफ़ी तेजाबियत होती है उसके अंदर, वो आपको मैदे के मसले वाले लोग और किडनी वाले लोग जो है ना वो कोशिश करें कि सिरका इस्तेमाल ना करें, ठीक है। हेलो ठीक है, वेट लूज के लिए मैं आपको आसान बेजरर चीज़ बता देता हूँ, उससे आपका इंशाल्लाह वेट जो है कम हो जाएगा, ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, ठीक है। हेलो जी, आपने क्या करना है कि तकरीबन 5 इंच का टुकड़ा एक लेना है लौकी का, और एक टिंडा लेना है, ठीक है जी, 5 इंच का टुकड़ा लौकी का और एक टिंडा आपने लिया, लेने के बाद उसको 5 गिलास पानी में डाला, इसको बॉइल्ड किया, एक गिलास कर लिया आपने,
और उसको छान कर टिंडे और लौकी को ज़ाया कर दिया। जो पानी बचा है इसे आपने निहार मुँह लेना है, निहार मुँह लेना है। इंशाल्लाह जो प्रेगनेंसी के दौरान भी वेट बढ़ जाता है, और वैसे भी ये बेज़रर है, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है और कोई ज़्यादा ये मुश्किल वाली चीज़ नहीं है, तो ये आपके वेट को कम कर देगी। एक टिंडा लिया, 5 इंच का टुकड़ा लौकी का लिया, दोनों को छोटे छोटे पीसेस करके 5 गिलास पानी में डाला, बॉयल करके 1 गिलास कर लिया। सुबह निहार मुँह लें, रोज़ाना एक लें, इंशाल्लाह आपको 10-15 दिन में फ़र्क महसूस होगा। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। हरी मिर्च, बैंगन मसाला, अदरक, बैंगन आधा किलो, हरी मिर्चें 10 से 15 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, प्याज चॉप्ड 1 अदद, दही 1 पाव, राई दाना 1 खाने का चम्मच, मूंगफली आधा कप, मेथी दाना आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च साबुत 10 ग्राम, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, खसखस आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद जीरा आधा चाय का चम्मच, इमली का पेस्ट 2 खाने के चमचे, घी हसब ज़रूरत, नमक हसब जायका। तरकीब, पैन में घी डालकर गरम कर लें, अब इसमें प्याज और अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करके फ्राई कर लें, अब इसमें दही को फेंट कर शामिल करें और साथ ही तमाम मसाले शामिल करके भून लें, अब इसमें बैंगन के 4 पीस करके शामिल कर लें और अच्छी तरह से भून लें, पानी शामिल करके बैंगन गलने तक पकाएं, जब गलने के करीब हो जाए तो हरी मिर्चें शामिल करके दम पर लगा दें। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार चटपटी और जायकेदार और खुशबूदार डिश जो है वो तैयार हो रही है, बैंगन और मिर्चों का सालन। ठीक है, एक तरफ वो बन रहा है, साथ में हम आज एक मीठा बनाने जा रहे हैं, वो है खोपरे का मीठा। ठीक है जी, खोपरा जो है वो भी उसका मीठा मज़ेदार बने तो क्या बात है। उसको बनाने के लिए हमने क्या किया, सूजी को पहले भून लिया है और उसमें दूध हमने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया। ठीक है जी, सूजी को पहले भून लिया आपने, जब तक भूनेंगे नहीं इसमें आपकी खुशबू नहीं आएगी। ठीक है जी, इसकी 2 से 3 लेयर बनती है, बहुत ही आसान तरीका मैंने ढूंढा है, इंशाल्लाह ये आपके घर पे जब बनेगा तो फिर मज़ेदार ही बनेगा। ठीक है जी, इसको बनाने के लिए क्या करना है, आपने दूध को पहले गर्म किया, आपने सूजी को तवे पे सेक लिया, सेकने के बाद इसमें आपने डाल दिया इलायची, कुटी हुई इलायची, चंद कतरे इसमें केवड़ा एसेंस के। ठीक है, और ये सूजी, ठीक है जी, 1 कप के करीब सूजी आपने डाल दी इसमें और इसे आपने मिक्स किया। ये गाढ़ा होना शुरू होगा तो इसमें हम ऑयल या घी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, और ये देखें जैसे ये सूजी जाएगी इसमें तो ये अमेज़ा फौरन गाढ़ा होने लगेगा। इसके लिए आपको एक ऐसी डिश चाहिए होगी जो आपके पास पायरेक्स की डिश हो, जिसमें गर्म चीज़ निकालते हुए वो ख़राब ना हो, टूटे ना। ठीक है जी, और उसके अंदर फिर आपने ये डिश को निकालना है, उसके अंदर लेयर आपने बनानी है। ठीक है, चले जी, ये तक जब तक ये इसके लम्स इसमें टूटेंगे, और उसके बाद मैं जो है अपनी डिश पहले से तैयार करके रखता हूँ। ये है मेरे पास पायरेक्स की डिश, और इसमें हल्का सा ऑयल ताकि ये जब पीसेस बन जाएं तो ये इसको निकालते हुए हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये हल्का सा इसको ग्रीसी कर लिया हमने, और यहाँ जो है सूजी देखें गाढ़ी होने शुरू हो गई, इसके जो लम्स हैं ना उसको आपने फौरन फौरन हाथ के हाथ ही तोड़ते रहना है ताकि ये अमेज़ा गाढ़ा होता जाए और उसके साथ साथ ये भी बनता रहे। ठीक है जी, अच्छा ये सारी चीज़ें डाल दी, अब इसमें हमने खोया भी डाल दिया, दूध भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी, चीनी नहीं डाली, हाँ चीनी अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी। ठीक है, ये चीनी ऐड कर दी, और करने के बाद इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल या घी ताकि इसको हम मिक्स कर सकें। ये देखें अच्छा सा गाढ़ा सा अमेज़ा ये बन जाएगा, और इसके अंदर तमाम चीज़ें, इसको चमचे को लकड़ी के चमचे अगर इस्तेमाल करें तो इसमें नॉन स्टिक में बेहतरीन रहता है, टूटता नहीं है और इसमें लकीरें भी नहीं पड़ती हैं। ठीक है, चलें जी, ये मिक्स हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है, अब इसके बाद इसके ऊपर की एक लेयर बनेगी जो खोपरे की होगी। ठीक है, अच्छा इसमें तो जो हमने इलायची का फ्लेवर डाल दिया और केवड़ा एसेंस का फ्लेवर डाल दिया। ठीक है जी, ये 2 फ्लेवर इसके अंदर आ गए,
अब जो हम इसके ऊपर लेयर डालेंगे वो खोपरे का फुल फ्लेवर जिसको कहते हैं वो होगा इसके अंदर, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर फाइनली ये अमेजा हो गया है गाढ़ा और उसको मैं निकाल रहा हूँ। जैसे ये ठंडा होता जाएगा ज़बरदस्त सा अमेजा तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ आपने क्या करना है कि थोड़ा सा खोपरा जो है वो भी मैंने इसमें ले लिया। खोपरे को हल्का सा गर्म करने के बाद इसे भी हमने छोटे छोटे पीसेस में डालना है। जब लेयर काटें तो खोपरा जो है ना उसके अंदर से पीसेस में निकले, ठीक है। इसीलिए मैं इसको मिक्स मैंने नहीं किया बल्कि इसको हल्का सा हीट देने के बाद, ठीक है, इसको जगह जगह पर इस तरह से पेवस कर दें। अब ये पूरे लेयर में खोया जो है वो चला गया। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप की तरफ और फिर एक खाली पैन हम लेना है और इसमें हमने खोपरा जो आम खोपरा होता है नॉर्मल वाला वो हमने ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा खोपरा इसमें बचा लिया हमने। अब इसमें हमने क्या करना है कि हल्का सा ग्रीन कलर, चुटकी चुटकी ग्रीन कलर डाल दिया और ये है चीनी, ये हमने शामिल कर दिया। खोपरा, चीनी और ग्रीन कलर, ये तीन चीज़ें हमने डाल दी इसमें, ठीक है। अब इसे आपने क्या करना है, मिक्स किया। इससे क्या होगा, तवे पे खाली पैन में जब ये जाएगा ना तो ये गर्म होगा, ठीक है। जब गर्म होगा तो खोपरे का अपना एक फ्लेवर होता है वो खूब अच्छी तरह से निकल कर आएगा और उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको गाढ़ा करेंगे। और इसके ऊपर एक तो नीचे हमारे पास ऑफ वाइट कलर का बेस आ गया, इसके ऊपर ग्रीन कलर का बेस आएगा, उसके ऊपर फिर हम थोड़ा थोड़ा जो हमने बचाया हुआ है खोपरा ये थोड़ा थोड़ा वाइट कलर भी डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ तैयार होगी और मज़ा आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर जब इसको थोड़ा सा गर्म हो गया, खुशबू आने लगे, उसके बाद आपने इसमें ऐड कर दिया पानी थोड़ा सा। ये देखें, पानी डालते ही इसमें जो मैंने कलर डाला था वो ऑटोमेटिकली सारे खोपरे पे आ गया। ये देखें, कैमरा आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास कॉलर हैं फायजा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम फायजा। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अंकल, मैंने बहुत मुश्किल से आपसे कॉल मिली, कब से मैं कितने दिन से ट्राई कर मुझे मिल नहीं। अंकल मैं 1.5 साल से मेरी तबीयत ठीक थी, मुझे हर तरह के टेस्ट करवा यूज कैसे जो भी टेस्ट, अभी बेस्ट का स्कैन कराया कि यहाँ बहुत कमजोर है, मुझे मेरी 25 साल उम्र है, आज तक 50 साल की औरत बीमारी स्टार्ट होती है, आप बताए मैं कितनी क्या करूँ, मुझे ना आधे सर पर दर्द रहता है। ये जरा होल्ड पर आप रहिएगा, दिल से आती है दुआ। जी जी, जरा इनको अंदर कंट्रोल रूम में लेकर इनसे पूछ लें, इसलिए कि आवाज़ बिल्कुल वो हो रही है। हाँ ठीक है, थैंक यू आपकी कॉल की। बिल्कुल आवाज़ आपकी टूट रही है इसलिए कि मुझे समझ नहीं आई कुछ भी, तो आपको अभी कंट्रोल रूम में सारी चीज़ें आपके सवाल पूछ लेंगे तो मैं इसका जवाब आपको दे देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ हमारे पास खोपरा, चीनी और इसके साथ ग्रीन कलर और थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया हमने। अब ये हमारा अमेजा जो है वो तैयार हो गया और मैं इसे अब डालने जा रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है। और देखें कितने आसानी से आपके सामने सामने मैंने बनाया ये डिश। और ये डिश जो है ना, वैसे आप मार्केट में परचेज़ करने जाएं काफ़ी महंगी मिलती है और मिठाई वाले ना इसको बनाकर अच्छा खासा एक्सपेंसिव बेचते हैं और आप अपने घर जब बनाएंगे तो फिर ज़ाहिर बात है आपके हाथ की बनी हुई डिश होगी तो फिर इतने पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, सही है। हाँ जी, अच्छा ठीक है, 20 साल उम्र, ठीक है जी, मैं भी बता देता हूँ। अच्छा, इनको अभी जो कॉलर थी इन्होंने कहा कि इनकी हड्डियों में बहुत दर्द रहता है, इनकी उम्र जो है 20 साल है और हड्डियों के दर्द के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ वो है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी
क्या नाम है, सुमलो बूटी, और सुमलो बूटी को और हल्दी, इन दोनों को बराबर बराबर क्वांटिटी में ले लें। सुमलो बूटी और हल्दी बराबर क्वांटिटी में लेकर इसको पाउडर बना लें। आधा चम्मच रोज़ाना सोने से पहले एक कप नीम गर्म दूध के साथ लें, इंशाल्लाह हड्डियों का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह आप बेहतर हो जाएंगी। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करके लिया करें, जो भी चीज़ लें अपने सेहत के एन मुताबिक। ठीक है जी, और यहाँ आप देखें बहुत ही खूबसूरत डिश हम तैयार कर रहे हैं, और ये डिश जो है ना वैसे 23 मार्च को बनानी चाहिए थी मुझे, इसलिए कि ग्रीन और वाइट कलर का इसका बड़ा ज़बरदस्त सा टेक्चर आया है। ठीक है जी, और इसके ऊपर चांद सितारा भी होना चाहिए था। ठीक है, चले जी, ये बड़ा ज़बरदस्त सी डिश, और इसके अंदर सारा फाइनली ये आ गया, और ये देख लें काफ़ी सारा अमेजा। इसको ठंडा करें, इसके पीसेस काटें और इसे सर्व कर दें। ठीक है जी, और इसको खूबसूरत बनाने के लिए आपने क्या करना है कि जो मैंने वाइट थोड़ा सा बचा के रखा है इसको ऊपर से यूं यूं छिड़क देना है जी। जब तक आप इसको देखें, एंजॉय करें, टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। खोपरे की मिठाई अज्जा, दूध 1 किलो, खोया आधा किलो, सूजी आधा कप, खोपरा पिसा हुआ 2 कप, चीनी 1 पाव, इलायची पाउडर 1 चाय का चम्मच, हरा रंग 1 चुटकी, केवड़ा एसेंस चंद कतरे। तरकीब, एक पैन में सूजी डालकर भून लें, अब एक पैन में दूध डालें, फिर इसमें इलायची पाउडर और चीनी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। एक प्याली में पानी डालें और इसमें हरा कलर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और दूध वाले पैन में शामिल कर लें। फिर इसमें पिसा हुआ खोपरा शामिल कर लें, अच्छी तरह से मिक्स करें और चमचा मुसलसल चलाते रहें। फिर इसमें भुनी हुई सूजी शामिल करें और इतना पकाएं कि आमेजा गाढ़ा हो जाए। अब इसे एक सांचे में निकाल लें, पिसे हुए खोपरे से सजावट करें। खोपरे की मिठाई तैयार है। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार खोपरे का मीठा जो है वो तैयार हो चुका है आपके सामने, मैंने बनाया और वहाँ हमारे पास टेबल पर रखा है, और इसके साथ साथ इस वक्त खुशबूदार और मज़ेदार और चटपटा जो है ना ज़बरदस्त सा मिर्चों का और बैगन का जो सालन है वो इस वक्त खूबसूरत कलर में पक रहा है, और खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है, और इस वक्त थोड़ी देर बाद ये हमने डिश आउट करना है आपके लिए, और इसके साथ एक वेजी कबाब हम बनाने जा रहे हैं। जो लोग वेजिटेरियन हैं, गोश्त नहीं खाते लेकिन फिर भी चाहते हैं कि ताकत रहे जिस्म के अंदर, बच्चों को, बच्चे भी बहुत सारे ऐसे होते हैं गोश्त से भागते होते हैं, तो हमने सोचा कि एक वेजी कबाब तैयार करें जो एनर्जेटिक भी हो। इसके अंदर हमने सफ़ेद लोबिया इस्तेमाल किया है, बहुत ही ताकतवर चीज़ है। सफ़ेद लोबिया जो है गोश्त का निमल बदल कहा जाता है, गोश्त का निमल बदल सफ़ेद लोबिया को कहा जाता है। अगर बहुत सारे लोग गोश्त नहीं खाते हैं तो सफ़ेद लोबिया का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनकी एनर्जी ज़बरदस्त रहती है, और वो लोग जो डेयरी प्रोडक्ट्स से जिनको एलर्जी होती है जैसे दूध दही वगैरह से, उनको सोया मिल्क दिया जाता है वो भी सफ़ेद लोबिया से बनता है। तो यानी कि सफ़ेद लोबिया आपकी ज़िंदगी में लाजमी शामिल रखें ताकि आप सेहतमंद रहें, और साथ में जब अच्छी चीज़ें बनाएं तो मसाले भी अच्छे होने चाहिए, और वैसे पाकिस्तान में तो टॉप क्लास मसाला आपका है ही शान, और पूरी दुनिया में भी इसे बहुत सारे ममालिक के अंदर बहुत पसंद किया जाता है, और बहुत ही मज़ेदार सादे मसाले भी इसके बहुत ज़बरदस्त हैं। जैसे कि ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ताज़ा धनिया पाउडर, बहुत ही मज़ेदार सा, और इसे जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसे वैक्यूम लॉक पैकिंग के अंदर रखा जाता है ताकि ये इसकी ताज़गी, रंगत और खुशबू, ये तीनों चीज़ें बरकरार रहें। साथ में यहाँ मैं तेज़ लाल मिर्च पाउडर जो है इसका खूबसूरत सा कलर और ख़ूबसूरत ताज़गी, और इसके साथ साथ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तीखी काली मिर्च। ठीक है, इसलिए कि बाहर जो काली मिर्चें मिलती हैं उसका कुछ पता नहीं होता कि वो सही असली है नकली है, तो बेहतरीन ब्रांड का शान का काली मिर्च इस्तेमाल करते हैं तो आपको यकीन होगा कि हाँ भाई सही चीज़ इस्तेमाल की है। ठीक है जी, इसके साथ ज़ीरा पाउडर हमने डाल दिया, लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया, हरी मिर्चें शामिल कर दी, ठीक है, और धनिया शामिल कर दिया। ठीक है, और इसे किया मिक्स अच्छी तरह से पहले, और उसके बाद आपने इसमें
चॉप चॉप गाजर बारीक चॉप, फाइनली चॉप, शिमला मिर्च बारीक चॉप, मटर बारीक चॉप नहीं बल्कि साबुत मटर, ठीक है जी। और इसके अंदर जो लोबिया है सफ़ेद लोबिया, इसका पेस्ट बनाया हुआ, ये भी हमने शामिल कर दिया। और आखिर में रिफाइन नमक, और वो भी शान का, ठीक है जी, ये भी आपने हसब ज़रूरत शामिल कर दिया, ठीक है। अब इसको आपने सारी चीज़ों को मिक्स करना है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे बाइंडिंग किसकी करेंगे, बाइंडिंग जो है ना वो हम करेंगे मकई के आटे की, ठीक है, मकई के आटे की। पहले इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से, उसके बाद इसमें आप डाल दें मकई का आटा, ठीक है, हसब ज़रूरत। हमारे पास कॉलर हैं लाहौर से, रुबाका, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। जी जी, टीवी टीवी बंद कर दें। हेलो जी, मैंने हमेशा कहा है कि आप लोग इतनी मुश्किल से कॉल करते हैं और वो कॉल जो है ना ड्रॉप हो जाए, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ठीक है जी। यहाँ हमारे पास इसका आमेज़ा हो गया तैयार, अब हम इसके कबाब तैयार करेंगे। मकई का आटा, मकई का आटा, कॉर्नफ्लावर नहीं बल्कि मकई का आटा जो है ना वो बाइंडिंग के लिए बड़ा अच्छा रहता है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए बाइंडिंग के लिए। आमेज़ा आप देख सकते हैं कैसा तैयार हो गया है, ठीक है। ये तकरीबन हमारे पास 1 से 1.5 कप मकई का आटा था, ये मैंने पूरा डाल दिया इसमें, और इसे हम करते हैं मिक्स और करते हैं फ्राई, ठीक है जी। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है मैं आ जाता हूँ अपने बैगन मसाले की तरफ, और देखते हैं कि बैगन मसाला हमारा कितना तैयार हुआ है, ठीक है। तैयार तो हो गया है बिल्कुल ही, क्या बात है, ज़बरदस्त। और इसका कलर अब आप देखेंगे जब मैं इसको वाइट पे निकालूंगा, ठीक है। क्या बात है, हो हो हो, इतना खुशबूदार ये रेसिपी है कि बस दिल चाहे कि इसी वक्त जो है ना आप नान रोटी पराठा जो भी आपके पास है उससे आप इसे फौरन खा लें, ठीक है। बहुत ही अच्छा सा गाढ़ा सा मसाला है इसका, वाओ। ये आप अब देखें और खूबसूरत से कलर से इंजॉय करें, ठीक है जी। और यहाँ मेरे पास बन गया है कबाब तैयार है, वेजी कबाब। और वेजी कबाब के लिए इसमें अंडे नहीं डाले जाते बल्कि इसको मकई के आटे से बाइंडिंग की जाती है, ठीक है जी। अब मैं इसे फ्राई करने के लिए डालने लगा हूँ, ठीक है। चलें जी, मुनासिब साइज़ का कबाब बना लें, गोल बना सकते हैं, ओवल बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन पुश ज़रूर करें, ठीक है जी, ताकि इसमें एयर जो है वो इसकी निकल आए। हमारे पास कॉलर हैं मिसेस फारूक फ्रॉम लाहौर, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम मिसेस फारूक। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? क्या हाल है गुलजार भाई? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं तो कॉल कर करके थक गई हूँ, कॉल ही नहीं मिलती। बाकी ये कि आपने जो दाल सब्जी गोश्त मसाले वाले जो प्रोग्राम किए मैंने सारे देखे, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे गाइड किया सबको, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। और लोगों को बड़ी नॉलेज मिलती है आपके प्रोग्राम से, बहुत शुक्रिया जी। जी तो आज मैंने भी आपसे 2 सवाल पूछने। पूछिए। एक तो ये कि मेरी ट्विंस बेटियां हैं, ठीक है, तो वो 9th में पढ़ती हैं, तो एज उनकी है 14 साल, ठीक है। तो आपने भूख के लिए और ग्रोथ के लिए एक बताया था कि काला जीरा और शहद वाला जो नुस्खा, बिल्कुल बिल्कुल बताया था। तो वो मैं ये इसलिए पूछना चाह रही हूँ, एक बेटी मेरी जो है ना उसकी 14 साल के हिसाब से मतलब हाइट और ग्रोथ सही है, ठीक है। एक जो है उसकी बिल्कुल 50% है उसके साथ, जैसे वो 7 साल की लगती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए ये चीज ठीक रहेगी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है इसका, लेकिन मैंने उसके काफी टेस्ट वगैरह कराए हैं, तो जस्ट उसको ना वही डॉक्टर जैसे आयरन कैल्शियम के सिरप बता देते हैं, और कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं, एक चीज आती है इसका, एक जड़ी बूटी है, उसका नाम है अशोक गंधा जी। उसको आप जीरे के साथ शहद के अंदर मिक्स करके वो देना शुरू कर दें उनको, सिर्फ उनको दीजिए जिनका कद कम है, ठीक है जी। अशोक गंधा, अशोक गंधा
जितना जीरा लेंगी उतना अश्वगंधा लेंगे, ये आपको मिल जाएगा पंसारी की दुकान से जी। ये कद बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है जी? ठीक। तो ये एक ठीक है, तो ये आधी चम्मच सुबह आधी शाम? हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ठीक है। और दूसरा ये था कि मैं जितना मर्जी फ्रिज के पानी से आटे को गूंदूं, अब गर्मियां आ रही है लाहौर में, तो ठीक ठाक गर्मी हो गई है और आटा खमीरा हो जाता है। अच्छा ठीक है ठीक है, उसका कोई हल बताएं? ठीक है मैं बता देता हूँ जी, बताइएगा। मैं टीवी की तरफ जाती हूँ। बिल्कुल आप टीवी की तरफ। बाकी आपको अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे, आपकी मैनेजमेंट मुबारकबाद की मुझसे का इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं कि हम दूसरे चैनल्स को छोड़ के आपके पास बैठ जाते हैं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, बल्कि आप एक अकेडमी की हैसियत रखते हैं हमारे लिए। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी। और कभी भी जैसे कि खमीरा अक्सर हो जाता है रोटी, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको जब भी आटा गूंद रहे हों उसके अंदर ना, आपने नमक की क्वांटिटी कम से कम रखनी है, ठीक है जी। नमक जितना कम रखेंगे उतनी जल्दी आटा जो है वो ख़राब नहीं होगा। दूसरा ये कि गूंदने के बाद इसको आपने सॉफ्ट गूंदना है और उसके ऊपर ऑयल लगा के रखना है, और आटा गूंदने के बाद हल्का सा ऑयल लगाया और उसको आपने फ्रिज में रख दिया, तो फिर जल्दी खमीरा कभी भी नहीं होगा। दो चीज़ें, एक तो नमक की क्वांटिटी कम रखनी है, दूसरा ये कि इसके ऊपर आटा गूंदने के बाद ऑयल लगाया, रैप किया, फ्रिज में रख दिया, ठीक है जी। इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होगा। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेजी कबाब, अज्जा, सोयाबीन बॉयल एक पाव, मटर हल्का बॉयल एक कप, गाजर हल्का बॉयल चॉप्ड 2 से 3 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें चॉप्ड 4 से 5 अदद, हरा धनिया चॉप्ड आधी गड्ढी, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, जीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, मकई का आटा 1.5 कप, तेल तलने के लिए नमक हस्बे ज़ायका। तरकीब, सोयाबीन को बॉयल करके इसका पेस्ट तैयार कर लें, अब इसमें तमाम सब्जियां मिक्स कर लें, अब इसमें तमाम मसाले 2 से 3 खाने के चम्मच, मकई का आटा और अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करके मिक्स कर लें, अब इसके कबाब बना लें, बचे हुए आटे को प्लेट में फैला दें और कबाब को कोट कर लें, पैन में तेल गरम करके फ्राई कर लें, निकाल कर सलाद पत्ता से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो है तैयार हो चुकी हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया खोपरे का मीठा हमने आपके लिए तैयार किया है, और इसके साथ बैगन और मिर्चों का जो सालन है ना, ओहो इतनी अच्छी खुशबू है इस वक्त हमारे किचन में, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और इसके साथ जो एक और खुशबू है वो है वेजी कबाब की, और वेजिटेबल कबाब जो हैं वो हमने आपके लिए बनाए बहुत ही मज़ेदार से, क्रिस्पी से, और इसकी बाइंडिंग आप देखें, बग़ैर अंडों के भी आप इसको ऐसे बाइंड कर सकते हैं कि बेहतरीन कड़क बिल्कुल क्रिस्पी से बने। सिर्फ आपको थोड़ा ख्याल रखना है कि इसमें क्या चीज़ें ऐड करनी है। इन तमाम पॉइंटों को नोट करके आप, जैसे कि मैंने इसमें मटर, इसमें हमने गाजर, शिमला मिर्च इस्तेमाल की है, लोबिया इस्तेमाल किया है, आप भी अपने पास से जैसे कि बहुत सारी और सब्जियाँ होती हैं, फूल गोभी होती है उसको बारीक चॉप करके डाल सकते हैं, फलियाँ होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड करके जो है अपने रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। और माशाल्लाह मज़ेदार रेसिपी जो है वो आपको बताती है कि किस तरह की बनी है। और दूसरा ये कि बाइंडिंग का ज़रूरी नहीं है कि हम अंडों से ही बाइंड करें, बहुत सारे लोगों को अंडे पसंद नहीं होते जिसकी वजह से बाइंडिंग का मसला पैदा हो जाता है, तो आप सिर्फ मकई का आटा भी इस्तेमाल करके और बेहतरीन किस्म की इसकी बाइंडिंग आप कर सकते हैं। और इस वक्त आपको मैं ज़रा कबाब दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको कैमरे में दिखा रहे होंगे, ये देखें ज़बरदस्त से क्रिस्पी से कड़क से कबाब है, और ये इस तरह से आप अपने खानों को, हालांकि इसमें मटर भी हैं, बहुत सारे मटर अगर हम डालते हैं तो कबाब अच्छी तरह से बाइंड नहीं होता, लेकिन ये आप इस तरह से कर सकते हैं। कीमा बना रहे हैं, कीमे के कबाब बना रहे हैं, अक्सर कीमे के कबाब बहुत सारे लोगों के कच्चे कीमे के कबाब टूट जाते हैं, तो उनके लिए भी बेस्ट ये है कि वो भी इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें यानी कि मकई का आटा वगैरह इस्तेमाल करके इसकी बाइंडिंग बना सकते हैं और अच्छी तरह से इसको तैयार करके सर्व कर सकते हैं। आज हमने आपको बाल अंदर से इंसान के जिस्म से बाल ग्रो करने का, आँखों की रोशनी के लिए और आपके चेहरे की साफ़ सुथरा रखने के लिए, ये तमाम चीज़ों के लिए आपको मैंने बताया, जैसे बाल में ऑयल लगाते हैं लोग, इससे बेहतर है कि अंदर से आप उसको ज़रूर मज़बूत करें। और उसके लिए जो है मैंने आपको बताया है कि राई दाना,
एक खाने का चमचा, मेथी दाना एक खाने का चमचा, दालचीनी एक खाने का चमचा। आप ये तीनों चीज़ें लेकर पाउडर बना लें, आधा चम्मच सुबह खाने के बाद, नाश्ते के बाद, और आधा चम्मच रात को खाने के बाद आप इस्तेमाल करते हैं, तो 41 डेज इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके स्किन, आपकी आँखों में और आपके बालों में इंशाल्लाह बेताशा फ़र्क महसूस होगा, और ये आपको अंदर से जो है ना क्लीन करेगा, इवन यहाँ तक कि आपके शुगर लेवल को भी सही रखेगा और आपको जो मैदा भी आपका दूर रखेगा। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड शाउट।